सही है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, जब भी कवर ड्राइव खेलने जाता हूँ तो या तो मेरे टाइमिंग मिस हो जाते हैं या मुझे लगता है मेरी स्टेपिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा फुटवर्क चलता ही नहीं है। क्या करूँ सर, बहुत डिप्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। क्या गलती कर रहा हूँ आप बताएं सर। मैं भी कुछ अच्छे से बात महसूस कर रहा था कि तुम्हें कवर ड्राइव पर मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें इस बात का खुद एहसास हो। अब हम प्रैक्टिस सेशंस का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह तुम्हारा कवर ड्राइव फिर से वापस आ जाए। मैं इसीलिए ये बात सबको समझाता हूँ कि नेट प्रैक्टिस नहायत अहम है। आपकी मैदान में कामयाब परफॉर्मेंस नेट प्रैक्टिस से ही मुमकिन है। चलो तुम्हारे कवर ड्राइव पर काम शुरू करते हैं। मुख्तार भाई, कवर ड्राइव खेलते खेलते और शॉट मत भूल जाइएगा। यार नुमा, आजकल तेरा भाई बड़ी फॉर्म में, तो ये पता है पिछले 3 मैचों में तेरे भाई ने 250 की है। 250, क्या बात है। बस ये सब पता है किस लिए, जो कवर ड्राइव की प्रैक्टिस की ना तेरे भाई ने, वो फॉर्म वापस आ गई यार। लगता है आपकी नेट प्रैक्टिस काम कर गई। हाँ यार, और आपने प्रैक्टिस सेशन का भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल, मुझे लगता तो ऐसा ही है। एक मिनट नुमान, जरा मैं एक फाइल चेक कर लूं भाई। इसमें वो लेटर कहाँ है अकील साहब वाला? तुम पागल वागल तो नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? जब तक वो लेटर नहीं होगी फाइल कंप्लीट कैसे होगी? मैं क्या चेक करता हूं? तुम्हारी ये गलती हो तुम्हें संभालो, पूरा साल हो गया तुम्हारी गलतियां देखते 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 यार। अगर नहीं कर सकते तो कहीं और जाओ। गेट लॉस्ट, वो लेटर लगाओ उसके अंदर। स्टूपिड, सॉरी अनुमान, सॉरी। पता नहीं अनुमान क्या हो गया, आजकल बहुत गुस्सा आने लग गया यार। नहीं भी चाहते हुए कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। मुझे भी यही लगता है कि आजकल आप गुस्सा कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा यार कैसे कंट्रोल करूं। मैं नहीं भी चाहता हूं ना तब भी गुस्सा आ रहा है। मेरा ख्याल है आपको नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। नेट प्रैक्टिस? गुस्से का नेट प्रैक्टिस से क्या ताल्लुक है भाई? ये कोई क्रिकेट का मैच है नेट प्रैक्टिस? नेट प्रैक्टिस से क्या ताल्लुक है भाई गुस्से से? देखें भाई, जैसे कि आपने कवर ड्राइव इम्प्रूव करने के लिए नेट पे जाके भरपूर प्रैक्टिस की और उसका नतीजा आपको ग्राउंड में कामयाब बैटिंग की सूरत में नजर आया, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने गुस्से को काबू करने के लिए नेट प्रैक्टिस की जरूरत है। चले मैं आपको बताता हूँ। मुख्तार भाई, हम लोग खुशनसीब हैं, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक कुरान मजीद की सूरह बकरा की 183 आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम मुस्सयाम, तुम पे रोज़े लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे लिखे गए, लअल्लकुम ततकुम, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। अभी तकवा क्या है?
तकवे का मतलब है अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर होशियार हो जाना, मोहतात हो जाना, कॉन्शियस हो जाना। जैसा कि हम बर्फीली सड़क पर जा रहे हैं तो किस एहतियात से हम कदम उठाते हैं कि कहीं हम फिसल ना जाएं। इसी तरह जो मुत्तकी होता है वो अपनी ज़िंदगी का हर कदम इसी एहतियात से उठाता है कि उसका कोई कदम अल्लाह पाक के अहकामात के मुनाफी तो नहीं। रमज़ान के महीने में तकवा, मतलब इसका रमज़ान से क्या ताल्लुक? देखिए मुख्तार भाई, रमज़ान के महीने में हम अपने ऊपर अल्लाह के बताए हुए औकात पर कुछ हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। जैसे कि पानी पीना हलाल है लेकिन रोज़े की हालत में हम पानी नहीं पीते और इस बात से मोहतात रहते हैं कि हमसे ये गलती ना हो जाए। देखें जब हलाल चीज़ों से हम अपने आप को रोके रखते हैं तो खुद सोचें हराम चीज़ों से हम अपने आप को कितना मोहतात रखेंगे। इसी मोहतात सोच और रवैये को तकवा कहते हैं, जो इस रमज़ान के महीने के तवस्सुत से हम में बेदार हो जाता है। आपने देखा होगा हम रमज़ान के महीने के बाद भी पानी पीते हुए सोचते हैं कि कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं है। इसी तरह हमारा मोहतात रवैया और तकवा कई महीनों तक कायम रहता है लेकिन कुछ अरसे बाद हम दुनिया में मशगूल हो जाते हैं और अपने तकवे को खो बैठते हैं। इस दौरान दोबारा रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। तो मेरे भाई, खाने पीने से रुकने के अलावा रमज़ानुल मुबारक वो बरकत महीना है जिसके अंदर हम अपनी बुराइयाँ और ग़लत रवैयों से मोहतात रहने की कोशिश और अहद कर सकते हैं कि एक महीना मेहनत करके बाकी के 11 महीने अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर ज़िंदगी बसर कर सकें। तभी तो कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, ये हमारे लिए नेट प्रैक्टिस ही तो है जिसमें हम अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, जैसा कि नेट पे करते हैं और जैसा कि आपने की। और फिर बाकी के 11 महीने अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर ज़िंदगी गुजारें, जैसा कि आपने नेट प्रैक्टिस करने के बाद ग्राउंड में परफॉर्म किया। देखिए आप तो इस बात को जानते हैं ना कि अल्लाह पाक को गुस्सा नापसंद है, तो इस रमज़ान में अपनी कवर ड्राइव की तरह अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं और फिर पूरा साल अपनी अमली ज़िंदगी में गुस्से पे काबू रखकर परफॉर्म कर सकते हैं। मुख्तार में मैंने सलीम भाई को बोल दिया था, वो देख लेंगे। चलो अच्छा है, मेरे ख्याल से टाइम पर पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। सर फाइल। वो लेटर जो मैंने कहा था सर, सॉरी सर, सर गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने वाली कौन सी बात है, हो जाता है। वो लेटर इसमें लगाओ। जी सर। फाइल कंप्लीट करो फिर भेज। जी सर, थैंक यू। ठीक है, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू, शाबाश। हेलो जी मेहमान साहब, लगता है आपकी नेट प्रैक्टिस एक बार फिर से कामयाब हो गई है, क्योंकि मुझे रमजान से पहले वाले मुख्तार भाई और अब के मुख्तार भाई में काफी फर्क नजर आ रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, मैं पहली बार अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूं। तुम यकीन करो कि जिंदगी में पहली बार रमजान के महीने में इबादत के साथ साथ अपनी खामियों और बुराइयों पर नेट प्रैक्टिस से मैंने भरपूर फायदा उठाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रमजान मुबारक के तवसु से इस साल मैं अपने गुस्से पे काबू पाने पे कामयाब हो गया हूं।
और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि यार पूरे साल मैं चीज को मेंटेन कर सकूं। कुछ भी हो जाए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूंगा। और शायद यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी रोजा रखकर बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम मुसलमानों को रमजान और मुबारक का भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे और हमें हकीकी मुत्तकी बना दे। आमीन आमीन सुन आमीन।